हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम गुलफ्शा खान फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। वेलकम टू माय क्लास, एलिमेंट्री क्लासेस। सब्जेक्ट है एलिमेंट्री क्लास की इंग्लिश। क्लास है हमारी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। डे है हमारा, जिस वीडियो में आप ये वीडियो को देख रहे हो वो है हमारा डे 39। गाइस मैं आज बता दूं आपको, फर्स्ट यूनिट टेस्ट है हमारा 25 अगस्त को हमारा ये टेस्ट है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। मार्क्स है इसके 10। और जो बच्चे एलिमेंट्री क्लास देखते हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे, उनको इस वीडियो में जो पेपर बता रही हूँ वो पेपर उनको समझना है कि उनका एलिमेंट्री क्लासेस का अलग अलग स्टैंडर्ड का अलग अलग पेपर है। बट क्लास देखिए आपकी एलिमेंट्री क्लास, नर्सरी एलकेजी और यूकेजी की है, क्लास की वीडियो है, देख सकते हैं गाइस। डे 39 है हमारा। गाइस पहले मैं आपको बता दूं कि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं 25 तारीख से आज से। तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोटबुक्स देख सकते हैं आप गाइस, 4 नोटबुक आपको मिलेगी छोटी क्लास वालों को, नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों को 4 नोटबुक मिलेगी, देख सकते हैं आप गाइस। और प्लस आपको मिलेगी ये ड्राइंग शीट, ये ड्राइंग शीट आपको फिलअप करके स्कूल में जमा करानी है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नोटबुक्स गाइस देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये आपको मिलेंगी आइकॉन स्कूल के न्यू कैंपस पे आकर करके इसको ले जा सकते हैं। आपका टाइम होगा 8 o'clock से 1 o'clock हम ये नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप ये नोटबुक आकर के ले जा सकते हैं। क्योंकि जो पेपर जो आप दोगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट, जिनके मार्क्स 10 है, और ये पेपर देना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इसके नंबर आपके रिपोर्ट कार्ड में जुड़ेंगे। तो बेटा ये पेपर जो है वो कंपल्सरी टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। और जिनको जो आंसर राइट करना है वो आपको इस नोटबुक में आंसर राइट करना है गाइज, ये नोटबुक आपको मिल जाएगी आइकॉन स्कूल के न्यू कैंपस पर। टाइम होगा 8 o'clock टू 1 o'clock, आप किसी को भेज करके ये नोटबुक यहाँ से मंगवा सकते हैं। अब गाइज मैं आपको, क्योंकि आपके एलिमेंट्री क्लासेस है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट पेपर आपको बता रही हूँ। एलिमेंट्री क्लासेस जो लेते हैं बच्चे नर्सरी तो यूकेजी वाले, उनको बता रही हूँ पेपर है उनका 10 नंबर का, सबका अलग अलग पेपर है। ये नर्सरी का है पेपर, देख सकते हैं आप। जो ये पेपर है पहले आपको बता दूं, ये पेपर आपको, ये आपको व्हाट्सएप पे भी मिल सकते हैं, और जो आप जिस ऐप पे वर्क करते हो आप उसमें भी आपको इसकी फोटो मिल जाएगी। प्लस जो ये वीडियो आप जो वॉच कर रहे हो इसमें भी आपको ये पेपर दिख सकता है, आप स्टॉप करके रीडिंग कर सकते हो। ये है गाइज हमारी क्लास नर्सरी का पेपर, क्लास नर्सरी वाले बच्चों का ये पेपर है। क्योंकि सभी एलिमेंट्री क्लासेस वाले अलग अलग स्टैंडर्ड से हैं। और गाइस ये पेपर है आपका एलकेजी क्लास का, देख सकते हैं आप, एलकेजी क्लास का है ये। स्टॉप करके आप रीडिंग कर सकते हैं इसकी, ये एलकेजी क्लास का पेपर है आपका। मार्क्स 10 है इसके, इंग्लिश का ये पेपर है। जो एलिमेंट्री क्लासेस लेते हैं उसमें आप देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। और लास्ट आपकी जो क्लास है यूकेजी, यूकेजी क्लास का ये पेपर है गाइस, आप देख सकते हैं। ये पेपर आप देख सकते हैं गाइस, ये पेपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा, और ये पेपर जो आप ऑनलाइन जो वर्क देखते हो उसमें मिल जाएगा। प्लस ये वीडियो जो आप ये वॉच कर रहे हो उसमें भी मैं आपको ये पूरा पेपर, आप स्क्रीन को स्टॉप करके रीड कर सकते हो पेपर को पूरा, कि पेपर में क्या मैटर है। हमें वन वन करके आपको पेपर सॉल्व करना बताऊंगा गाइस। ये आपके एलिमेंट्री क्लासेस की वीडियो है जिसका डेट 39 है। इसमें आपको नर्सरी टू यूकेजी के पेपर में आपको सॉल्व करना है, बताऊंगी किस तरीके से आपको एलिमेंट्री क्लास, जो कि नर्सरी टू एलकेजी और यूकेजी के बच्चे जो वीडियो वॉच करते हैं उनको किस तरीके से इस पेपर को सॉल्व करना है। तो वन बाय वन गाइस मैं आपको बताऊंगी। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं क्लास नर्सरी का, ये पेपर है क्लास नर्सरी, देख सकते हैं आप। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप नर्सरी से नहीं हो, इससे पीछे वाली में हो, तो उसको आप आगे थोड़ा बड़ा करके आप दूसरी वीडियो देख सकते हो गाइस। तो अगर आप नर्सरी से, ये नर्सरी क्लास का पेपर है, देख सकते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नर्सरी क्लास का पेपर सॉल्व करना बताऊंगी। जो एलिमेंट्री क्लास लेते हैं स्टूडेंट नर्सरी टू यूकेजी के बच्चे, नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे जो एलिमेंट्री क्लास देखते हैं उनको मैं पेपर सॉल्व करना बताऊंगी अभी। तो ये नर्सरी क्लास का पेपर मैं आपको बताती हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए टू जेड कैपिटल लेटर्स, आपको ए से लेकर के जेड तक कैपिटल लेटर्स में राइट करना है। क्वेश्चन 2 है हमारा, राइट ए टू जेड स्मॉल लेटर, इसमें स्मॉल लेटर्स के अल्फाबेट आपको राइट करने हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है एलिमेंट्री क्लास। ए टू जेड कैपिटल एंड ए टू जेड स्मॉल लेटर्स में आपको राइट करना है। थर्ड क्लास का थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आप नर्सरी क्लास में हो तो आप छोटे स्टैंडर्ड से हो, बहुत ही
तो आपका ये तीन ही क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी स्मॉल एंड कैपिटल और अल्फाबेट विद स्पेलिंग, आपको ए टू जेड अल्फाबेट विद स्पेलिंग राइट करने, यही पेपर है आपका एलिमेंट्री क्लासेस का। तो इसमें क्वेश्चन थर्ड में आपको ए टू जेड स्पेलिंग राइट करनी है, चाहो तो आप इस तरह की टेबल्स इसकी बना सकते हो या फिर आप डायरेक्टली इसको राइट कर सकते हो। ए डबल पी एल ई बुआ बाय बॉयज ग्रैफ्स हैंड या अम्ब्रेला और जेब्रा तक इस तरीके से आपको पूरा डॉट डॉट्स में पूरा फिलअप करना है, फिर लाइन के अकॉर्डिंग आपको अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग आप इसको पूरी स्पेलिंग्स को राइट कर सकते हो। गाइज ये है क्लास हमारी नर्सरी क्लास का पेपर है गाइज, ये अगर आप नर्सरी क्लास से बिलोंग करते हो तो आप नर्सरी क्लास की वीडियो का पेपर आप देख सकते हो। आपको ए टू जेड कैपिटल लेटर, ए टू जेड अल्फाबेट स्मॉल लेटर और ए टू जेड अल्फाबेट विद स्पेलिंग राइट करना है गाइज। अब दूसरा पेपर जो है गाइज हमारा वो है हमारी एलकेजी क्लास का, जो बच्चा एलकेजी क्लास में है वो इस पेपर को सॉल्व करेगा गाइज। मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले जो मैंने वीडियो बताई थी ये वाली, उसमें मैंने आपको नर्सरी का पेपर सॉल्व करना बताया था कि नर्सरी क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों को किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। अब जो एलकेजी क्लास में है इस टाइम उनको क्वेश्चन नंबर वन है उनका, फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, 10 मार्क्स है, एलिमेंट्री क्लास है, डे 39 में वीडियो बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन वन है, राइट ए टू जेड कैपिटल लेटर, ए टू जेड कैपिटल लेटर्स में राइट करने हैं आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और क्वेश्चन टू है हमारा, राइट ए टू जेड स्मॉल लेटर, ए टू जेड स्मॉल लेटर्स में आपको यहाँ पे राइट करना है। ए टू जेड स्मॉल लेटर्स में गाइस आपको राइट करना है, ए टू जेड कैपिटल लेटर्स में राइट करना है, ए टू जेड स्मॉल लेटर्स में, या चाहो तो आप इस तरीके के अकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको राइट कर सकते हो, बट आपको इसको फिलअप करने के लिए किसी बड़े की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड है हमारा, राइट ए टू जेड अल्फाबेट विद स्पेलिंग, यानी ए टू जेड अल्फाबेट आपको स्पेलिंग राइट करनी है। इस तरीके से टेबल बनाई हमने, एप्पल बॉय कैट डॉग इन सभी की आपको स्पेलिंग इसमें फिलअप करनी है, या तो आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर इस तरीके का टेबल बना करके आप सेम डिटो इस तरीके की भी अपनी नोटबुक में बना सकते हो, जो कि नोटबुक मिलेगी आपको आईकॉल स्कूल से लेकर के जानी है, 8 बजे से 1 बजे का टाइम है इसके लिए, 8 o'clock टू 1 o'clock आकर के ले जा सकते हैं। क्वेश्चन फोर है इसका, ये सेम इतना नर्सरी तक है, बट ये फोर और फाइव क्वेश्चन इसमें अलग है कि राइट टू टू मीनिंग ऑफ एफ जी एच आई, यानी कि एफ से जी से एच और आई से स्टार्ट होने वाली आपको टू टू स्पेलिंग्स गाइस राइट करनी है। अगर आप सोचते हो कि मैम हमें नहीं आता, तो इससे पहले की जो वीडियो है आप उनको स्टार्ट करके इनका आंसर देख सकते हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले की जो वीडियो है उनको वॉच करके आप इसको पूरा पेपर फिलअप कर सकते हो गाइस। क्वेश्चन सिक्स है, व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन, जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हमारा आता है आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन वाला, उस तरीके से अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी आपको ये सॉल्व करना है कि ऐसे पहले के बाद में और के और एम के बीच में कौन सा अक्षर कौन सा लेटर आएगा। तो गाइस ये था हमारा इंग्लिश का एलिमेंट्री क्लास का एलकेजी क्लास का पेपर है गाइस, देख सकते हो आप एलकेजी क्लास के बच्चों को, एलकेजी स्टैंडर्ड के बच्चों को ये पेपर सॉल्व करना है, सॉल्व उस नोटबुक में होगा जो कि आपको आइकॉन स्कूल के न्यू कैंपस में से मिल जाएगी। अब गाइस हमारा थर्ड पेपर है एलिमेंट्री क्लासेस का, यूकेजी क्लासेस का ये पेपर है, मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट यूनिट टेस्ट है हमारा इंग्लिश का, क्लास है हमारी यूकेजी, जो कि बच्चे एलिमेंट्री क्लासेस देखते हैं, नर्सरी टू यूकेजी, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे जो देखते हैं इस वीडियो को, उन बच्चों को ये पेपर सॉल्व करना देख सकते हैं गाइस। जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी आपको बताया कि आपके फोर नोटबुक आएंगी, हिंदी इंग्लिश मैथ जीके, सॉरी हिंदी इंग्लिश मैथ और जीके, और प्लस ये ड्राइंग शीट आएगी आपकी गाइस, देख सकते हैं आप, ये आपको मिलेगी आईकॉन स्कूल के न्यू कैंपस पे से आपको लेके जानी है फोर नोटबुक, और इन्हीं नोटबुक्स में ये पेपर सॉल्व होंगे। अगर आपने अभी तक ये नोटबुक नहीं मंगाई है तो आप आईकॉन स्कूल के कैंपस पे आकर के न्यू जो कैंपस है हमारा उसमें से ले सकते हैं। आपका टाइम होगा 8 o'clock टू 1 o'clock, आप फादर मदर किसी को भेज करके नोटबुक ले सकते हैं गाइज। अब देखिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट हमारा यूकेजी क्लास का ये पेपर देखिए आप गाइज, ये यूकेजी जो एलिमेंट्री क्लासेस के बच्चे देखते हैं, ये यूकेजी स्टैंडर्ड से हैं, उन बच्चों का ये पेपर है, देख सकते हो गाइज आप स्टॉप करके वीडियो को, आप देख सकते हो ये पेपर है आपका। ये पेपर आपको जैसे मैंने पहली फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बताया था, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिल जाएगा, और जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में ये वीडियो वॉच कर रहे हो इसमें भी आप स्टॉप करके इसको रीड कर सकते हो। एंड जो आप जो हमारा जो एलिम जो आपका जो डेली का वर्क जाता है ऐप, उस ऐप पे भी आपको इसकी फोटो मिल जाएगी, तो आप तीनों जगह से कहीं से भी देख सके एज यू लाइक इसको सॉल्व कर सकते हो गाइज। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर है जो एलिमेंट्री क्लास देते हैं, और जो बच्चे यूकेजी स्टैंडर्ड से बिलोंग करते
करते हैं उनका पेपर है ये। नर्सरी और उससे पहली वाली क्लास का मैंने आपको पहले पेपर बता चुकी हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जो बच्चे यूकेजी क्लास में है गाइज, उन बच्चों को ये वाला पेपर सॉल्व करना है। मैं बता रही हूँ आपको इसको किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व आपका इस नोटबुक में होगा जो आपको आइकॉन स्कूल के कैंपस में से मिलेगी, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर वन, यूज ऑफ साउंड ए ई आई ओ यू, यानी ए ई आई ओ यू का साउंड का यूज करके आपको इसको फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर टू है यूज ऑफ दीज एंड दोज, इनका यूज करके फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपको फिलअप करना है। यूज ऑफ हिज और हर का यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को आपको फिल करना है। यूज ऑफ आई यू एंड वी का यूज करके आपको इसको फिलअप करना है। अब गाइस सोचोगे हमें इनका आंसर नहीं पता, तो गाइस इससे डेट 39 की जो प्रेजेंट टाइम की वीडियो चल रही है अभी आपकी, उसका डे है डेट 39। इससे पहले वाली वीडियोज में आपको इनके सारे आंसर मिल जाएंगे गाइस, तो आप इनसे पहली वाली वीडियो को चला करके या फिर जो आपका असाइनमेंट आया था उसमें देख करके इनको फिलअप कर सकते हो। यूज ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है यूज ऑफ हैज हैव का यूज करना है आपको। राइट द अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड बता दें, यानी बिलोंग, मैन, डे, बॉय, फैट। राइट क्वेश्चन सिक्स है हमारा, राइट द फंक्शन ऑफ बॉडी पास्ट, दीज आर माई ईयर्स, दीज आर माई लेग्स, यानी इनकी स्पेलिंग राइट करनी है ईयर्स की। कंप्लीट द मिसिंग वर्ड, इन मिसिंग वर्ड्स की स्पेलिंग को फिलअप करके आपको इस मीनिंग बनानी है इसकी एक। और नाइन वाला है आंसर द गिवन क्वेश्चन येस और नो, येस और नो में आपको आंसर देना है। यू हैव ए पैरेट, यू शुड ऑबे यूर पेरेंट्स, और येस और नो में आपको इसका आंसर फिलअप करना है। गाइज अगर आपको ये टफ लगता है पेपर तो आप इससे पहली वाली वीडियो यानी 38, 37, 36, 34 जो भी इसकी लाइन के अकॉर्डिंग है उसकी अकॉर्डिंग आप इस पेपर को फिलअप कर सकते हो। गाइज मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि ये यूकेजी स्टैंडर्ड का पेपर है बेटा, नर्सरी और उसके दूसरे वालों का पेपर अलग था जो मैंने आपको भी बता दिया है, नर्सरी एलकेजी का ये है, यूकेजी स्टैंडर्ड का ये पेपर है। तो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आपको इस नोटबुक का यूज करना है जो कि आपको आइकॉन स्कूल से मिलेंगी, 4 नोटबुक प्लस एक ड्राइंग शीट आपको मिलेगी बेटा। इसको लेने के लिए आप अपने फादर मदर से बोल सकते हो, इसी पेपर इसी में ही आपको आपका पेपर के आंसर राइट करने हैं, और फिर उसको पूरे पेपर जब 30 डेट्स के बाद आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको स्कूल में जमा करवाना है गाइस। तो ये थी आपकी एलिमेंट्री क्लास की पेपर के बारे में जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, इसके मार्क्स होंगे आपके 10, जो मैंने आपको तीनों पेपर आपको बता दिए हैं, एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी का पेपर मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज ये आपको फिलअप करना है क्लीन राइटिंग में। अगर कोई पेपर टफ लगता है तो इससे पीछे वाली वीडियो में आप इसके आंसर देख सकते हो। ओके गाइज, गुड बाय, ग्रो योर स्टडी ऑनलाइन विद अस।